तो दोस्तों यहाँ पे दोनों बाइकें आ गई हैं, हमने सामने HF 100 वाला मॉडल और यहाँ पे HF डिलक्स वाला मॉडल, जो कि हीरो की ही दोनों हमें देखने को मिल जाएंगी। लुक वाइज भी आप देख सकते हैं, लुक वाइज भी लगभग यहाँ पे हमें सेम देखने को मिलेगा। अगर आप रोड पे राइडिंग करते हैं तो आपको एक झलक में तो कोई ये देख के नहीं कह सकता कि ये HF 100 वाली बाइक है या HF डिलक्स वाली, दोनों यहाँ पे सेम कलर में हमें देखने को मिलती है। बट यहाँ पे जो इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे जो चेंज हमें देखने को मिलता है, जिसमें प्राइस हमें कम देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे HF 100 में हमें कम प्राइस में देखने को मिलेगी ये वाली बाइक, और यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा महंगी HF डिलक्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। तो शॉर्ट में इसके फीचर्स वगैरह जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हेडलाइट का लुक यहाँ पे दोनों का सेम देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं हीरो की यहाँ पे जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे 3D में देखने को मिलेगी, और यहाँ पे स्टिकर में हमें नॉर्मल देखने को मिल जाएगी। हेडलाइट की बात करूँ तो यहाँ पे हेलोजन वाली हेडलाइट दोनों में देखने को मिलेगा, बल्ब वाले इंडिकेटर दोनों में देखने को मिलेंगे, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे दोनों में देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर मैं इसके लेग गार्ड की बात करूँ तो लेग गार्ड यहाँ पे HF डिलक्स वाले में क्रोम में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये कंपनी के द्वारा यहाँ पे फिटेड देखने को नहीं मिलता अलग से एक्सेसरीज। सीट हाइट की बात करूँ तो यहाँ पे सीट हाइट दोनों में 805 mm की सीट हाइट हमें देखने को मिल जाती है। ग्रैब हैंडल का लुक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग लुक हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पे HF 100 वाले मॉडल में इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज लुक हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो चेंजेस हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये जो आप ग्राफिक्स देखेंगे कुछ इस तरीके से इसका देखने को मिलेगा HF 100 वाले का, और वहीं अगर मैं HF डिलक्स वाले की बात करूँ तो यहाँ पे जो इसका ग्राफिक्स हमें देखने को मिलेगा वो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं पूरे में देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इसका स्ट्रीट में हमें देखने को मिलेगा। और वहीं क्वालिटी की बात करें कि बिल्ड क्वालिटी क्या रहने वाली है, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे हमें मजबूत क्वालिटी में अगर आप थोड़ा सा लेना चाहते हैं तो आप HF डिलक्स वाला ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इसके पार्ट्स हैं थोड़े बहुत यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज दिख जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो वाइजर है वो यहाँ पे फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है, बट इसकी बात करूँ तो ये यहाँ पे फ्लेक्सिबल हमें देखने को नहीं मिलता, ये हार्ड फाइबर का हमें देखने को मिलता है। और फेंडर का लुक भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, फेंडर के लुक में भी यहाँ पे आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत दिख जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 3D में लोगो और वहां पे 2D में लोगो हमें देखने को मिल जाता है। बाकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी दोनों में 9.1 लीटर की फ्यूल टैंक हमें देखने को मिलते हैं कैपेसिटी, और 8 BHP की पावर और 8 Nm का टॉर्क, जो कि 10,000 RPM पर और यहाँ पे 5,000 RPM पर हमें देखने को मिलता है। तो दोनों में सेम पावर और टॉर्क हमें देखने को मिल जाते हैं। रियर में यहाँ पे सस्पेंशन में आपको डिफरेंस दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में मेटल का यहाँ पे जो फ्रेम लगा हुआ है, और इसमें यहाँ पे हमें ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। तो दोनों में डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। चैन केस यहाँ पे दोनों में फुली चैन केस के साथ हमें देखने को मिलेगा, जो कि फाइबर का हमें देखने को मिलेगा। रियर प्रोफाइल में भी लगभग यहाँ पे सेम लुक देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल है इसका लुक यहाँ पे आपको चेंज दिखेगा। और एलॉय व्हील की बात करूँ तो यहाँ पे एलॉय व्हील इसका हमें ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा, और इसका जो एलॉय व्हील है वो यहाँ पे सिल्वर कलर में हमें देखने को मिलेगा। तो ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे ब्रेक दोनों में 130 mm के यहाँ पे ड्रम ब्रेक हमें देखने को मिल जाएंगे। वहीं 8.5 की क्वालिटी और लुक भी आप दोनों का देख सकते हैं, सेम क्वालिटी और लुक में हमें देखने को मिल जाएगा। FI के साथ HF डिलक्स हमें देखने को मिल जाएगी। और वहीं अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप बेहद ही कम कीमत में बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप HF 100 वाला बाइक एक बार जरूर देख सकते हैं, क्योंकि ये जिस प्राइस सेगमेंट में ये आ रही है काफी कमाल का ऑप्शन होने वाला है। अगर आपका बजट बेहद ही कम है तो आप HF 100 वाली बाइक एक बार जरूर देख सकते हैं, मात्र 72,400 इसका ऑन रोड प्राइस हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मैं HF डिलक्स की बात करूँ तो इसका 86,000 इसका ऑन रोड प्राइस हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे 13,000 का अंतर लगभग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर आप 13,000 रुपये बचाना चाहते हैं तो आप HF 100 वाली बाइक ले सकते हैं। अगर आप मैनेज कर सकते हैं 12,000 से 13,000 रुपये तो आप HF डिलक्स वाली बाइक ले सकते हैं, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे तरफ से रिकमेंड है कि आप HF डिलक्स वाला ही लीजिए। अगर आपका बजट एकदम ही कम है तब आप HF 100 के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज आप HF डिलक्स ले सकते हैं। तो ये था इसका छोटा सा एक डिटेल में कंपेरिजन। तो अगर आपको और भी डिटेल में कंपैरिजन चाहिए तो आप इनकी सिंगल सिंगल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो आनी है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।
तो यही था फ्रेंड आज के इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।